हेलो वी आर लाइव नाउ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल वेलकम टू साइनी क्लासेस विच इज अ पार्ट ऑफ टीचमेंट हाय गाइस आज हम लोग यहाँ पर भारत दर्शन के पार्ट में उस राज्य को आज पढ़ने वाले हैं जो मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है और कुछ एरिया कुछ ऐसे क्षेत्र भी यहाँ पे आते हैं जो आयरन ओर के उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया है कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो नक्सलवादी क्षेत्र है ठीक है मेरे ख्याल से आपको अंदाजा अब लग चुका होगा कि मैं आज कौन से राज्य आपके सामने ला रही हूँ, ओके वेरी गुड इवनिंग राज तो चलिए हम लोग धीरे-धीरे करके इस राज्य को पढ़ते हैं ओके देखिए अगर हम लोग यहां पर छत्तीसगढ़ के मैप को ध्यान से देखते हैं इंडिया में तो हम लोग देखेंगे किसके चारों साइड से भारतीय स्टेट को ये अपना बॉर्डर को शेयर करता है जैसे एक तरफ हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे ये देखिए एमपी का क्षेत्र है ओके ये है यूपी का ये झारखंड है ये छोटा सा एरिया यहाँ पे बिहार हो रहा है इसके बाद ये जो एरिया आपको यहाँ पे दिख रही है ये साइड वाला एरिया उड़ीसा है ओके उसके बाद ये जो एरिया आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आंध्रा का हिस्सा है और ये जो हिस्सा है वो तेलंगाना है ओके कुल राज्य को ये शेयर करती है उसके बाद चलिए इस राज्य की थोड़ी कुछ विशेषताओं को देखते हैं जैसे ये राज्य जो है <coughs> सॉरी ये जो राज्य है ये एक पठारी क्षेत्र है ओके ये राज्य एक पठारी क्षेत्र है चलिए कुछ ऐसे जगहों से हम आपको परिचित करवाते हैं जो काफी प्रसिद्ध है काफी फेमस है कुछ ना कुछ कारणों से जैसे कि ये नीचे वाला एरिया में आप देख रहे हैं इस मैप को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे आता है एक सुकमा नामक प्लेस आता है ओके सुकमा है उसके ऊपर एक एरिया आता है जिसका नाम यहाँ पे है दांतेवाड़ा उसके बाद उसके बाद है जगदलपुर और इसके ठीक ऊपर आता है कांगेर ओके चार प्लेसेस यहाँ पे आते हैं सुकमा जगदल जगदलपुर कांगेर और दांतेवाड़ा ये जो चार आप प्लेस देख रहे हैं इस पूरे प्लेस को मिलाकर क्या कहा जाता है बस्तर ओके इसे बस्तर कहा जाता है ये एक नक्सलवादी एरिया है आप नक्सलवादियों से काफी परिचित होंगे मेरे ख्याल से उनके बारे में जानते होंगे कि उनका जो थोड़ा थ्योरी होता है वो भारत सरकार से अलग होता है है ना एक्चुअली ये जो चीन के माओवादी है ये उनको फॉलो करते हैं इस सरकार के कोई नियमों को नहीं मानते और ये सरकार से हमेशा खफा खफा रहते हैं मतलब इनका ये चाहते हैं कि खुद इनका खुद का रूल हो तो इस प्रकार से और हमेशा सरकार के बीच में और यहाँ के जो नक्सलवादी हैं इनके बीच में हमेशा कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते रहता तो ये जो एरिया है वो काफी सेंसिटिव जोन है ओके okay? नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कुछ ऐसे यहाँ पे एरिया हम लोग देखेंगे जिसमें हम लोग यहाँ पे दुर्ग देखते हैं ओके okay? यहाँ पे दुर्ग मिलेगा एक इसके अलावा हम यहाँ पे क्या देखते हैं दुर्ग भिलाई और रायपुर ओके दुर्ग भिलाई और रायपुर ये जो तीन प्लेसेस आपको मिल रहे हैं ये क्या है ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है ओके ये क्या है एक इंडस्ट्रियल एरिया है इंडस्ट्रियल एरिया इसलिए है क्योंकि इस प्लेस में इस जगह पे आयरन ओर का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है और आपको पता होगा कि जहां पर खनिज का उत्पादन होता है उस जगह पर अगर कोई कारखाना है कल कारखाना है तो कल कारखाना बहुत ही उन्नति करता बहुत विकासशील होता है या बहुत विकसित क्षेत्र होता है वो ओके नेक्स्ट हम लोग आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पर ये यह जो आपको एरिया दिख रही है ये जो आप साइड वाला ये एरिया दिख रहे हैं ठीक है जैसे कि आपको हम बताएं कि ये जो एरिया है ये क्या है एक पठारी क्षेत्र है ठीक है इसी क्षेत्र में ये जो पठारी क्षेत्र है तो पठार का कौन सा एरिया आएगा पठार का यहाँ पे दंडकार दंड कारण्य दंड का एक एरिया आता है ये पठारी क्षेत्र है दंडकारण्य का उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं इसको जो ये जो एरिया फिर क्या है ये बस्तर का पूरा एरिया इस बस्तर एरिया में कुल मिलाकर हम देखें तो चार जिला देखा जाता है फोर डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे ओके फोर डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे ग्य? अगर टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो कुल मिलाकर यहाँ पे ट्वेंटी सेवन डिस्ट्रिक्ट आपको यहां पे मिलते हैं ओके, okay? ओके, टोटल 27 मिलते हैं, okay? हैं, नेक्स्ट चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर कैपिटल की बात की जाए तो कैपिटल देखिए यहाँ पे क्या है रायपुर है और फॉर्मेशन इस स्टेट का कब हुआ था तो फर्स्ट नवंबर 2000 को इस स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था ओके, किससे अलग होकर हुआ था तो ये मध्य प्रदेश से अलग होकर इस स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था ठीक 2000 में ही ठीक है, ये ये देखिए, 2000 में ही, इसके साथ ही झारखंड का ओके झारखंड का भी फॉर्मेशन हुआ था ओके याद रहेगा अगर टोटल एरिया देखें, तो यहां पे एक लाख एक सौ किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है और एरिया के आधार पर ये यह पच्चीस लाख पच्चीस लाख पांच सौ 25 हजार एक सौ अंठानवे इसका पॉपुलेशन यहां हो जाएगा ओके अगर हम लोग यहाँ पे पॉपुलेशन के आधार पर रैंकिंग देखें तो नंबर का ये स्टेट है देखिए आप लोगों को यहाँ पे इससे ज्यादा मैप पढ़ना बहुत जरूरी है. और मेरा ये है कि अगर आप जब भी कुछ कोई स्टेट को पढ़ रहे हो तो आप लोग अपने साथ एक एटलस रखें एक मैप रखें जिससे क्या होगा मैप पढ़ने के साथ साथ उस मैप को आप अपने दिमाग में छापते चले जाइए क्योंकि अगर मैप आपको याद होगा तो जैसे क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बीजापुर कहां है दांतेवाड़ा कहाँ है जगदल कहाँ है बिलासपुर कहां है ठीक है आपको बता दें बिलासपुर जो है वो मुख्यालय है रेलवे का ठीक है मध्य, सेंट्रल साउथ सेंट्रल का जो मुख्यालय है वो क्या है बिलासपुर है नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं अगर हम लोग यहाँ पे सीएम की बात करें भूपेश बघेल जी यहाँ के प्रेजेंट सीएम है और फर्स्ट सीएम कौन थे तो अजीत जोगी जी यहाँ के फर्स्ट सीएम थे गवर्नर हो जाएंगे यहाँ पे अनुसुईया नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं अगर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो यहाँ पे कुल मिलाकर नाइन्टी वन सीट है लोकसभा और राज्यसभा का सीट देखते हैं तो इलेवन और यहाँ पे पांच का रेशियो आपको दिखता है ट्वेंटी सेवन यहाँ पे टोटल जिला है यहाँ पे जो हाईकोर्ट है यह यहां खुद का हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ हो जाएगा और लैंग्वेज हिंदी और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज यहां का मुख्य लैंग्वेज है ओके नेक्स्ट हम लोग यहां देखते हैं रिवर्स की बात करें तो रिवर्स में यहां पे महानदी गोदावरी इंद्रावती हंस तो सोन हाँ एक मिनट मैं यहाँ पे एक चीज बताना भूल गई क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जनजाति है मतलब ट्राइब्स है तो ट्राइब्स की लैंग्वेज भी यहाँ पर है जैसे यहाँ पे उड़िया भी बोली जाती है उड़िया भी है फिर यहाँ पे क्रुक लैंग्वेज है ओके यहाँ पे एक लैंग्वेज है जिसका नाम है क्रुक ओके तो यहाँ पे देखिए क्योंकि ये एक पठारी क्षेत्र है यहाँ पे ट्राइब्स अधिक मिलेंगे तो ट्राइब्स के जो लैंग्वेज होते हैं वो भी यहाँ पे यूज किए जाते हैं ओके okay, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो कुछ रिवर्स में हम लोग देखते हैं महानदी रिवर गोदावरी इंद्रावती हस्तो रिवर और सोन रिवर यहाँ पे देखने को मिलता है क्लियर एक सेकेंड थोड़ा होल्ड करना एक सेकेंड ठीक है चलिए एक्चुअली यहाँ पे पावर कट बहुत ज्यादा हो रहा है कुछ समय से नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे डैम देखें। तो देखे तो देखिए हंसदो रिवर है ना तो हंसदो रिवर के ऊपर हंसदो डैम भी होगा ठीक है हंसदो यहाँ पे डैम भी आपको देखने को मिलता है नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ फोक डांस यहाँ पे देखते हैं जैसे राउट नाच ठीक है एक होता है रॉफ नाच एक होता है रॉफ नाच ये, ये जो नाच है ये जम्मू एंड काश्मीर का है ओके okay? ये जम्मू एंड काश्मीर का है और यहाँ पे कौन सा है राउट ठीक है राउट नाच और ये क्या है राउट नाच कंफ्यूज एकदम मत होना आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं पंथी डांस फॉर्म भी यहीं पर यूज किया जाता है ठीक है नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े यहाँ पे एक चीज और हम बता दें जैसे अगर हम लोग स्टेट एनिमल की बात करें तो स्टेट एनिमल यहाँ पे हो जाएंगे वाइल्ड बफ़ेलो, बफ़ेलो। ओके, अगर बर्ड की बात करें तो बर्ड यहां पे है हिल माइना मतलब पहाड़ी मैना जो होता है ठीक है ये यहाँ का स्टेट बर्ड है ट्री में यहां पे साल ठीक है ची यहाँ पे साल हो जाएगा आगे बढ़िए हमने यहाँ पे ओके अगर हमने नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पे देखिए, इंद्रावती नेशनल पार्क कांगेर वैली उसके बाद गुरु घासीदास नेशनल पार्क है ओके देखिए गुरु घासीदास ये नेशनल पार्क है ये अभी अभी रिसेंट न्यूज में है ये होमवर्क रहेगा आपके लिए कि आपको ये बताना है कि ये जो गुरु घासीदास

और वैली यहाँ पे नजर आ रही है कांगेर वैली एक आप देखते होंगे कांगड़ा वैली है ना कांगड़ा वैली आप पढ़े होंगे ये आप पढ़े होंगे हिमाचल प्रदेश में ओके ये हिमाचल प्रदेश की है और कांगेर वैली कहाँ की है तो कांगेर वैली छत्तीसगढ़ की है क्लियर है अब तो नहीं होगा एक और बता दू देखिए कांगेर और कांगड़ा में कंफ्यूजन खत्म हुआ एक और चीज यहाँ पे मिलती है कॉक्रेज ठीक है कॉकरेज ये कॉकरोज नहीं बोल कॉकरेज बोल रहे ठीक है, है ये क्या है एक भैंस की प्रजाति है ठीक है एक भैंस की प्रजाति है लेकिन मैं बता दूं कि ये छत्तीसगढ़ की प्रजाति नहीं है ये कहाँ की प्रजाति है गुजरात की प्रजाति है ठीक है कांगेर सुनकर या आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं घाटी के नाम सुनकर उस भैंस का नाम भी आप यहीं से जोड़ देते हैं तो ये काकरेज जो भैंस है ये गुजरात और राजस्थान की भैंस है मतलब भैंसों की प्रजाति है ठीक है आपको बता दे इसकी जो सिंग होती है ना बहुत भयानक होती है बहुत भयानक होती है मतलब बड़ी बड़ी सिंगों वाली एक होती है ओके okay? अच्छा मेरी आवाज तो क्लियर है आप लोगों को यस और नो कर दीजिए एक बार मुझे पता चल जाएगा कि हाँ मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को एकदम ओके क्लियर चलिए देखिए अभी तक कमेंट में आप लोग का आंसर नहीं आया नंदनी आंसर नहीं आया देखिए गुरु घसीदास नेशनल पार्क है ठीक है नेशनल पार्क है और बता दू ये टाइगर रिजर्व भी है ठीक है ये टाइगर रिजर्व भी है छत्तीसगढ़ का मैप देखते हैं तो छत्तीसगढ़ के मैप में ये जो ऊपर का जो हिस्सा है ना ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ पे एक संजय संजय नेशनल पार्क मिलते यहाँ पे ठीक है संजय गांधी नेशनल पार्क है ठीक है इस जगह पे संजय गांधी नेशनल पार्क यहाँ पे देखने को मिलता है नेक्स्ट देखिए थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो कोरबा थर्मल पावर प्लांट सिपत उसके बाद राजीव गांधी नेक्स्ट है एनएसपीसीएल भिलाई पावर प्लांट यहाँ पे देखने को आपको मिलता है जैसे कि आपको बता चुके हैं कि एक प्रकार से इंडस्ट्रियल एरिया है और इंडस्ट्रियल एरिया में आपको हम दुर्ग रायपुर है ना और भिलाई वाला एरिया बताया है यहाँ पे जो क्या बोलते हैं खनिज है खनिज में यहाँ पे आयरन और की मात्रा अधिक होती है ठीक है मतलब खनिज में यहाँ पे आयरन और अधिक मात्रा में उगाए जाते हैं देखिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं लाइफ सेंचुरी की बात करें तो अचानक अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भरनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फिर है यहाँ पे बादल खोल सेंचुरी भैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भोरा भोरामदियो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ के कुछ मुखिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएंगे ठीक है आपको यहाँ पे कौन से याद करना है यहाँ पे आपको कौन से याद करना है तो यहाँ पे अचानक कुमार जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको याद करना क्यों क्योंकि एक प्रकार से टाइगर रिजर्व भी है ओके एक प्रकार से टाइगर रिजर्व भी है मेरा क्वेश्चन आप लोग से फिफ्टी फोर्थ नंबर का टाइगर रिजर्व का नाम बताइए ओके 54 नंबर का जो टाइगर रिजर्व है उसका नाम आपको बताना है ओके नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे इसके अलावा देखिए कुमारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सीता नटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमोर पिंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उदंती इंपॉर्टेंट है उदंती याद करके रखिएगा उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओके नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग देखिए एक और बता दें इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें तो जैसे आपको पता होगा यहाँ पे भिलाई है है ना भिलाई है बालको है जो कोरबा में है उसके बाद एनटीपीसी है थर्मल पावर ओके, जिसको सस्टेनेबिलिटी में अवार्ड मिला हुआ है सस्टेनेबिलिटी में अवार्ड मिला हुआ है ओके क्लियर एयरपोर्ट की बात करें तो बता दें कि एयरपोर्ट में विलासपुर एयरपोर्ट रायगढ़ एयरपोर्ट ओपी जिंदल एयरपोर्ट जगदलपुर एयरपोर्ट और स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट ओके बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें जगदलपुर एक प्रकार से पर्यटक स्थल भी है जगदलपुर देखिए उस एरिया में भी आता है जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रेड लाइट एरिया बोलते हैं ठीक है ठीके? मतलब यहाँ पे नक्सल बहुत ज्यादा प्रभावी है इस क्षेत्र में कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब ये जनता के ऊपर कुछ समझते ही नहीं है और कभी ना कभी ये आक्रमण कर देते हैं ठीक है एक्चुअली जो यहाँ के नक्सल नक्सलवादी जो है यहाँ के उनका मानना है ना कि कि जो राज है मतलब कुछ शासन जो करते हैं सरकार उनके ऊपर तो जो कुछ भी उत्पादन होता है वो सरकार अपने अंडर में ले लेते हैं ठीक है तो उनका मानना है कि जो कुछ उत्पादन हो रहा है वो भी सरकार वो भी मतलब इनके हाथ में प्रजा के हाथ में आए जो कुछ भी वहां पे जितने भी मतलब आ, जैसे शासन प्रणाली है ना वो सब कुछ किसके आप प्रजा के हाथ में होनी चाहिए इनका मानना है कि प्रजा जो चाहती है वो सरकार नहीं करती है ठीक है और जब सरकार प्रजा के अनुसार काम नहीं करती है या, या फिर प्रजा के जरूरतों को पूरा नहीं करती है तो प्रजा को छीन लेना चाहिए मतलब इनकी प्रवृत्ति जो है वो किससे क्या है छीनने वाली प्रवृत्ति है प्रवृत्ति है तो जो लोग भी यहाँ से मान लीजिए कभी कभी जाते हैं जैसे मान लो कि कुछ ऐसे रोड क्रॉस कर रहे हो और इतफाक से उस रास्ते से होकर क्रॉस करना हो तो क्या हो जाता है कि ये लोग वहां पर टोल टैक्स भी काट लेते हैं ठीक है जैसे सरकार टोल टैक्स काटती है ना उसी प्रकार से ये लोग भी क्या क्या करते हैं हैं टोल टैक्स भी काट लेते ओके तो ये उस एरिया में बहुत ज्यादा है प्रभावशील है वहां पे ओके एरिया कौन सा हो जाएगा बस्तर का एरिया सुकमा एरिया है ना मतलब तो बस्तर के अंदर में देखो सुकमा जगदलपुर कांगेर और दांतेवाड़ा आता है कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि आप इसको एक सीरियल वाइज सजाइए कि दक्षिण से लेकर उत्तर या उत्तर से दक्षिण तो आपको कैसे सजाना है इसमें पहले आएगा सुकमा ठीक है पहले सुकमा उसके बाद उसके बारा है बाद जगदलपुर उसके बाद है, है कांगेर ठीक है इस तरह से साउथ टू नॉर्थ आप इसको सजा सकते हैं इसी एरिया में क्या मिलता है जैसे आपको बताए पठार मिलता है किसका दंड कारण्य का पठार भी इसी क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है ठीक है रायगढ़ भी इसी क्षेत्र में है उसके बाद विलासपुर, कोरबा अंबिकापुर ठीक है कुछ कुछ ऐसे प्लेसेस हैं आपको यहाँ पे याद रखना है क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ हमारे इतिहास से भी बहुत जुड़ा हुआ है ठीक है हमारे इतिहास से भी बहुत जुड़ा हुआ है बहुत से यहाँ पे पर्यटक स्थल भी मिलते हैं क्लियर चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे पे बढ़ते हैं अगर यहाँ पे ट्राइब की बात करें तो बस्तर एरिया है ना तो बस्तर क्षेत्र में कौन मिलेंगे ध्रुवा ट्राइब्स यहाँ पे देखने को मिलता है नेक्स्ट नारायणपुर में नारायणपुर में अबू माडिया बिस बिसौनहोन और मुरई ये ट्राइब्स कुछ यहाँ पे देखने को मिलते हैं रायपुर बिलासपुर रायगंज दुर्ग और सरगुजा में कवार ट्राइफ देखने को मिलता है उसके बाद देखिए रायपुर है बिलासपुर है रायगढ़ और सरगुजा में पिंजवार चाय देखने को मिलते हैं ठीक है क्लियर यहां तक नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं ओके अगर जीआई टैग की बात करें तो देखिए हर राज्य में कुछ ना कुछ जीआई टैग मिला हुआ टैग का मतलब बता दें कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है और ये किसी भी प्रोडक्ट को जो वहां की स्पेशलिटी होती है वहीं पे दिया जाता है ठीक है जैसे मान लीजिए कि आ, बंगाल का रसगुल्ला ठीक है रस की गोली तो हर जगह है बनता है पर बंगाल का जो रसगुल्ला है वो कहीं नहीं बनता है वो वहीं पर फेमस है और वहीं का ही मतलब टेस्टी मतलब टेस्ट में लाजवाब है तो वहां पर रसगुल्ला को टैग मिली हुई दस सालों के लिए इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि दार्जिलिंग का चाय इसे भी क्या मिला हुआ है जीआई टैग मिला हुआ कब मिला था दार्जिलिंग की चाय को 2000 2004 2005 में जीआई टैग मिला हुआ है ओके तो देखिए हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ में कौन कौन से चीजों को यहाँ पे जीआई टैग मिली हुई है देखिए पहला क्या है बस्तर डोकरा ठीक है बस्तर डोकरा ये एक क्या है एक क्राफ्ट है क्राफ्ट का मतलब बता दें कि जो चीजें हाथ से बनाई होती बनाई हुई होती है ना उसको बोलते हैं क्राफ्ट तो डोकरा एक हैंडक्राफ्ट है बता दो कि डोकरा जो G7 इस बार जो G7 हुआ था ना इसमें भारत ने G7 में डोकरा क्राफ्ट को गिफ्ट किया है ठीक है गिफ्ट किया गया है इसके बारे में आपको हम डिटेल से पढ़ाएंगे कि जैसे बहुत सी चीजों को यहाँ पे गिफ्ट किया गया है मतलब दूसरे देशों को G7 के जो जो सदस्य होते हैं उनको जी सेवन का मतलब होता है ग्रुप सेवन ओके ग्रुप सेवन में जितने भी मेंबर्स आते हैं जो समिट हुई थी उस समिट में भारत ने कुछ देशों को यहाँ पे गिफ्ट किया था इसको नेक्स्ट क्लास में हम शॉर्ट वीडियो के द्वारा आपको हम बता देंगे ओके okay? नेक्स्ट चलते हैं बस्तर आयरन क्राफ्ट को भी यहाँ पे जे टैग मिला है वुडन क्राफ्ट जो लकड़ी के ऊपर देखो जैसे ये देख रहे हो ये लकड़ी का एक टुकड़ा होगा ठीक है उसको देखिए पे कटिंग करके सुंदर से उकेरा गया है ठीक है जो उकेर के अलग से लकड़ी चिपकाए नहीं गया बल्कि उसको उकेर के वहां पे उसको बनाया गया उसको क्या बोलेंगे उड क्राफ्ट कहेंगे ओके नेक्स्ट देखिए ये एक लोगो है और ये क्या है एक आर्ट है ये भी आर्ट है ये भी आर्ट है लेकिन ठीक है समझ जाओ की मतलब दोनों एक ही चीज है लेकिन थोड़ा डिफरेंट होगा देखिए देखिए यहाँ पे जो अब चीजें आप देख रहे हैं बने हुए हैं ना ये उसी बस्तर डोकरा का ये पिक्चर आपको नजर आ रही है ओके नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे चलते हैं देखिए जैसे अगर हम लोग देखें छत्तीसगढ़ को तो छत्तीसगढ़ का एक निकनेम है ठीक है अब मिस क्या निकनेम है निकनेम है दक्षिण कोसला या कौशाला दक्षिण कौशाला इनका निकनेम है ओके नेक्स्ट देखिए जैसे अगर हम यहाँ पे डैम कहें डैम में दुदवा डैम इसके अलावा पहले बता चुके जैसे हंसते ठीक है हिंदी इंग्लिश में मिला के लिख रहे हैं देख लो मेरा भी खुरा पाती दिमाग ओके अगर प्रोडक्शन कहा जाए तो टीन का प्रोडक्शन यहां पे होता है कोल ओके आयरन और ओके इसके अलावा मैग्नीज का उत्पादन यहां पर होता है ठीक है क्लियर है यहां तक Uh, और कुछ गलत बताई है जो भी आंसर है गलत बताई जरा फिर से एक बार अच्छे से सोच के बताना ठीक है एक बार अच्छे से सोच के बताना नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे करंट्स की बात करें करंट्स का मतलब होता है जो न्यूज में है कुछ कुछ चीजें उसके आधार पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं ठीक है तो जैसे देखिए यहाँ पे एक कैंपेन चला था एक योजना चली थी क्या चली थी योजना पढ़ाई तुम्हारा ठीक है पढ़ाई तुम्हारा कहा लिखू पढ़ाई तुम्हारा ठीक है मारा योजना मारा योजना ये एक यहां पे छत्तीसगढ़ का योजना था इ लोक अदालत ठीक है ई लोक अदालत यहीं पे इसकी शुरुआत की गई थी फर्स्ट टाइम ओके फर्स्ट टाइम यहीं पे शुरू की गई थी उसके बाद हम बोल सकते हैं स्पंदन योजना स्पंदन योजना इसकी शुरुआत भी की गई थी आदर्श पुलिस स्टेशन यहीं पे बनाया गया था ओके okay? इंदिरा वन योजना इंदिरा वन योजना उसके बाद आ, एक होता ना जो हम लोग देखते हैं बीड़ी जिससे बनाई जाती है ठीक है उस पत्ते क्या नाम है जिससे बीड़ी बनाई जाती है उसका उत्पादन भी यहाँ पे का, आ, काफी अधिक होता है ठीक है तेंदु पत्ता जिसको हम लोग बोलते हैं तेंदु पत्ता ठीक है अब मत ये मैं पूछ रहा हूँ इस बीड़ी क्या होती है ठीक है ये बिल्कुल मत पूछना कि मिस बीड़ी क्या होती है क्योंकि आपको पता है बीड़ी क्या होती है इसलिए मैंने बताऊंगी क्लियर है यहां पर एक हॉकी स्टेडियम भी है ठीक है जो शहीद वीर स्टेडियम के नाम से जाना जाता है क्या है नाम शहीद वीर स्टेडियम ओके और कुछ यहां बच गया नहीं ना क्लियर है यहाँ तक कोई डाउट यहाँ तक किसी को ठीक है चले फिर आज की क्लास बस यही तक कमेंट करना ना बोले ओके कम से कम ये मुझे बता दें कि ये सेशन कैसा लगा आपको ताकि आपका लाइक आपका शेयर आपका सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा और अच्छा वीडियो बनाने के लिए और अच्छा क्लासेस अटेंड करने के लिए तो प्लीज